हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द यू एनालाइजर तो आज हम फोर्थ दिसंबर like, का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यहां पर फर्स्ट न्यूज़ द फेसबुक इंडिया और गूगल इंडिया का यहां पर जो डिजिटल एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू है वो अगर यहाँ पर हम दस ट्रेडिशनल मीडिया कंपनीज़ को एक साथ रख देते हैं तो उनके एड रेवेन्यू से भी ज़्यादा है दैट्स वाई ट्रेडिशनल मीडिया कंपनीज़ आर फोज टू बिकम लैपडॉक मीडिया क्योंकि यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट रेवेन्यूज़ है वो उनको इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है लेकिन अगर हम नेट रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट अगर कंपेयर करें तो अभी भी ट्रेडिशनल मीडिया कंपनीज़ का ही ज़्यादा है तो उसका एक रीज़न ये है तो बहुत फेसबुक इंडिया एंड गूगल इंडिया हाउ एवर लैक ऑन एस्पेक्ट सच एज नेट रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट तो हैं पर नेट रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट अभी भी ट्रेडिशनल मीडिया कंपनीज का ज़्यादा है उसका एक रीज़न ये है जो फेसबुक इंडिया और गूगल इंडिया है ये एडवर्टीजमेंट री मॉडल पर काम करते हैं तो एडवर्टीजमेंट री मॉडल का मतलब ये है कि पहले ये लोग एड स्पेस यूएस की फॉर्म से लेते हैं तो दे बाय इन्वेंट्री फ्रॉम अ ग्लोबल सब्सिडेयरी ऑफ द फॉर्म्स यू एस उसके बाद वो एड स्पेस को यहाँ पर इंडिया में क्लाइंट को बेचते हैं तो उस एड स्पेस से इनको जो भी रेवेन्यू आता है तो उनको यहाँ पर थोड़ा रेवेन्यू यहाँ पर शेयर भी करना पड़ेगा यू एस हेडक्वार्टर्स को तो फॉर दिस दे पे अ शेयर ऑफ देयर ग्रॉस एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू टू द ग्लोबल सब्सिडेरी फ्रॉम

उसके ऑफिस के बाहर कोई पोस्टर लगा होगा अब उस पोस्टर में उसने शायद देखा नहीं देखा उसमें कुरानिक वर्सेस होंगे लेकिन उसने उस पोस्टर को फाड़कर कर यहाँ पर डस्टबिन में डाल दिया होगा उसके बाद यहाँ पर सारे फैक्ट्री वर्कर्स इकट्ठा हो गए और उन्होंने ब्लास्वैमी के ऊपर उसको जिंदा जला दिया तो हार्ड लाइन मॉव एंड पाक लंकन ओवर ब्लास्वेमी तो अब लंकन गवर्नमेंट ने बोला हम इस पर एक्शन लेंगे तो जो भी है अब ब्लेसमेमी लॉस कितने ठीक है होने चाहिए नहीं होने चाहिए ये एक सोचने का विषय हो सकता है तो टॉप श्रीलंकन एग्जीक्यूटिव ऑफ अ गवर्नमेंट फैक्ट्री वॉज लेंड एंड हज बॉडी बॉन्ड बाई सपोर्टर्स ऑफ अ हार्डलाइन इस्लामिस्ट पार्टी हु अटैक द फैसिलिटी इन पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस ओवर ब्लेस मेमी एलिगेशन फ्राइडे आगे चलते हैं यहाँ पर दो बॉडीज़ के नाम है तो हम दो बॉडीज देख लेते हैं तो पहला है इंसाकॉक इंडियन आर सी ओ वी टू जिनॉमिक सिक्वेंसिंग कंजोटियम तो ये क्या करती है तो अ नेटवर्क ऑफ नेशनल टेस्टिंग लेबॉरेटरी सेटअप बाई द गवर्नमेंट टू मॉनिटर जिनोमिक वेरिएंस ऑफ द वायरस तो यहाँ पर वायरस के जिनोमिक वेरिएंस होते हैं तो ये उसको मॉनिटर करती है तो इनसाकॉग यहाँ पर वायरस के जिनोमिक वेरिएशंस को यहाँ पर मॉनिटर करती है दूसरी एक और बॉडी है एन तो ये भी हम देख लेते हैं नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप इन इंडिया विच मेक्स रिकमेंडेशंस ऑन पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन टेक्निकल रिव्यू ऑफ़ साइंटिफिक एविडेंस तो साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पे यहाँ पर ये गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देती है ऑन द पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स लेकिन फाइनल डिसीजीज ये नहीं लेती है ये सिर्फ यहाँ पर रिकमेंडेशन देती है फिर ये जो रिकमेंडेशन है ये एक्सपर्ट ग्रुप के सामने रखे जाते हैं जो कि यहाँ पर एक्सपर्ट ग्रुप यहाँ पर डिसीजन लेता है तो यहाँ पर ये recommendations देने वाली बॉडी है एन और एक मैंने आपको बॉडी बताई इंसाकॉग अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है अब यहाँ पर दिल्ली में एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है जो सारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स सा हैं उनको ये बोला जाए कि वो अब शिफ्ट कर दें टू पाइप्ड नेचुरल गैस और क्लीनर फ्यूल्स इन अ टाइम बाउंड मैनर तो यहाँ पर उनको बोला गया कि आपको शिफ्ट करना है टू पाइप्ड नेचुरल गैस और क्लीनर फ्यूल्स इन अ टाइम बाउंड मैनर ताकि जो पल्यूशन है डेली का थोड़ा कम हो सके यहाँ पर ऑपरेशन मासूम की बात की गई है तो ये कौन सा ऑपरेशन है तो मिटिगेशन ऑफ़ एडलसेंट सेक्शुअली ऑफेंसिव ऑनलाइन मटीरियल तो यहाँ पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है ऑपरेशन मासूम आगे चलते हैं अब यहाँ पर सीबीआई और ईडी के जो डायरेक्टर्स हैं उनका यहाँ पर टेन्योर पाँच साल का हो सकता है उसके लिए जो ऑर्डिनेंस लाया गया था अब उसके लिए अब एक बिल लाया जा रहा है लोकसभा में तो बिल स्टेट्स दैट द टेन्योर ऑफ़ द डायरेक्टर मे बी एक्सटेंडेड बाय अप टू वन ईयर एट अ टाइम टिल द कम्पलीशन ऑफ फाइव ईयर तो यहाँ पर जो टेन्योर होगा सी और ई के डायरेक्टर्स का वो पाँच साल का हो सकता है और ये तब टेन्योर बढ़ाया जा सकता है इन पब्लिक इंटरेस्ट अभी जो पब्लिक इंटरेस्ट वाली टर्म है इसको डिफाइन नहीं किया गया कि पब्लिक इंटरेस्ट में क्या आएगा तो इसकी वजह से जो गवर्नमेंट के पास डिस्क्रिपेशन है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है तो द बिल प्रोमोट्स आर्बिट्रेरीनेस बाई फेलिंग टू तो प्रोवाइड क्लैरिटी रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ द टर्म पब्लिक इंटरेस्ट अब यहाँ पर एक प्राइवेट मेंबर बिल है तो प्राइवेट मेंबर बिल का बेसिकली ये कहना है कि प्रीएम्बल में अमेंडमेंट होना चाहिए और जो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी है उसको अमेंड करके इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू बी बॉर्न टू बी फेड टू बी एजुकेटेड टू गेट अ जॉब एंड टू बी ट्रेटेड विद डिग्निटी तो ये हो जाना चाहिए एक यहाँ पर स्कीम की बात की गई है पी एम फॉर चिल्ड्रन स्कीम तो पी एम फॉर चिल्ड्रन स्कीम के अंदर बच्चों को एजुकेशन और हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा इसके अलावा यहाँ पर दस लाख रुपए दिए जाएंगे फॉर ईच चाइल्ड जब तक वो अट्ठारह साल का नहीं हो जाता है ये जो कॉर्पस है ये मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट स्टाइपेंड के तौर पर दिया जाएगा अठारह सालों तक अठारह सालों से फ्रॉम एटीन ईयर्स ऑफ एज और जब बच्चा यहाँ पर तेईस साल का हो जाएगा तो वो पूरा यहाँ पर लमसम अमाउंट निकाल सकता है तो पी एम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम प्रोवाइड सपोर्ट फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ एंड विल क्रिएट अ कॉर्पस ऑफ रूपीज टेल लक फॉर ई चाइल्ड वन दे रीच एटीन ईयरस ऑफ एज तो यहाँ पर अठारह साल के बाद स्टाइपेंड के तौर पर थोड़ा थोड़ा अमाउंट निकाला जा सकता है और यहाँ पर तेईस साल के बाद पूरा लमसम अकाउंट निकाला जा सकता है अभी पी एम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम इसीलिए लॉन्च की गई थी क्योंकि जब कोविड की सेकंड वेव आई थी तो काफी बच्चे यहाँ पर ऑर्फिन हो गए थे तो सेंटर आइडेंटिफाइड 3049 कोविड ऑर्फेंस अक्रॉस द कंट्री फॉर सपोर्ट अंदर द पीएम फॉर चिल्ड्रन स्कीम ये हम डिस्कस नहीं करेंगे अब यहाँ पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात की गई तो आई होप आपने लक्ष्मीकांत में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वाला पढ़ लिया होगा क्योंकि उसको सौ साल हो चुके हैं 1921 में बनी थी तो उसके ही सेलिब्रेशन चल रहे हैं तो ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपको ये पता होना चाहिए चेयरमैन यहाँ पर अपोजिशन पार्टी से आता है बाइस मेंबर्स होते हैं तो ये सारे फैक्ट्स आप रिवाइज कर लेना सारी कमेटी के ही रिवाइज कर लेना एस्टिमेट कमेटी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सारी कमेटी एक बार देख लेना आगे चलते हम अब यहाँ पर एक एन का ये बात बोलनी है कि अगर सेम सेक्स मैरिज को लीगल बनाया जाए तो उसको हिंदू एक्ट के अंदर ना बनाया जाए तो इट ऑल्सो सेट दैट एनी चेंज इन मैरिज प्रोसीजर्स मस्ट आइर बी एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन्स या तो सारे के लिए एप्लीकेबल हो इ रिस्पेक्टिव ऑफ़ फेथ और बी रेस्ट्रिक्टेड टू एनी दो फॉर्म्स ऑफ मेरेजेस या तो फिर उन्हीं फॉर्म ऑफ मैरिजिज़ के लिए यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट किया जाए जहाँ पर मैरिज एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है ना कि एक रिलीजियस रिचुअल तो यहाँ पर दो तो इनकी डिमांड्स ये हैं कि सारे यहाँ पर सिटीजन के लिए की जाए इस्पेक्टिव ऑफ़ फेथ और दूसरी बात यहाँ पर अगर की भी जा रही है तो उन मैरिजेस के लिए की जाए जहाँ जिन रिलीजन्स में मैरिजे एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है ना कि यहाँ पर एक रिलीजियस रिचुअल है दूसरी बात एन जी ओ कंटेंडेड दैट द पिटीशन सीकिंग रिकगनीशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट वॉज नॉट रीजनेबल वैन एट द सेम टाइम इट वॉज नॉट परमिटेड अंडर द मैरिज लॉज पर टू अदर रिलीजन तो अगर यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर यहाँ पर अलाउ करते हैं तो सारे रिलीजन्स के जो एक्ट है उसमें अलाउ होनी चाहिए वरना किसी भी एक्ट में अलाउ नहीं होनी चाहिए अभी तक सेम सेक्स मैरेजेज को रिकोगनाइज नहीं किया गया है इंडिया में तो हाउ एवर सेम सेक्स मैरिजेज आर येट टू बी बिकोगग्नाइज इन द कंट्री आगे चलते हैं बियॉन्ड नोशनल बेनिफिट्स अब यहाँ पर एक स्कीम की बात की गई तो वो हम स्कीम देख लेते हैं तो नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम 1995 में लाई गई थी और ये नेशनल सोशल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंदर आती है तो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंदर ये स्कीम आती है नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम नाइनटीन में लाई गई थी अनफॉर्चुनेटली द स्की हज़ बिन अलाउड टू लैंग्विज द अमाउंट ऑफ एमरजेंसी असिटेंस तो इस स्कीम में जो एमरजेंसी असिस्टेंस मिलता है वह सिर्फ बीस हज़ार का मिलता है वो भी उन लोगों को मिलता है जो कि यहाँ पर बी पी एल फैमिलीज़ में आते हैं तो द स्कीम इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज जो फॉर्मेलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ तक कि अमाउंट को सेंक्शन होने में ही बहुत टाइम लग जाता है तो यहाँ पर बेसिकली केस बताया गया था यहाँ पर रोहित नाम का एक इंसान था माइग्रेंट था जिसने यहाँ पर सुसाइड कर लिया उसके बाद उसकी वाइफ जो थी वो विडो हो गई अब उसकी वाइफ को मेनली यहाँ पर फीड करने के लिए भी बैक करना पड़ रहा है इस स्कीम में उसने अप्लाई किया लेकिन अभी तक उसको यहाँ पर जो बीस हजार रुपए मिलने अभी तक नहीं मिल पाए और इस केस को एक साल हो चुका है इसके अलावा यहाँ पर द सॉरी प्लाइट ऑफ एन एफ बी एस इज नॉट एन एक्सीडेंट इट इज पार्ट ऑफ द डेलीबरेट नेगलेक्ट ऑफ द एन एस ए पी तो यहाँ पर बेसिकली ऑथर का ये कहना है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम की जो स्कीम है सेंटर उसको लगातार नेगलेक्ट कर रही है सेंट्रल कॉन्ट्रीब्यूशन टू ओल्ड एज पेंशन फॉर इंस्टेंस हैजेगनेटेडेड एज अजली रुपीज टू हंड्रेड पर मंथ फॉर नियरली फिफ्टीन ईयर्स तो इस स्कीम के अंदर सिर्फ दो सौ रुपये प्रति महीना मिलता है और पिछले पंद्रह साल से दो सौ रुपये को बढ़ाया नहीं गया है तो एन एफ बी एस बजट हैज़ ऑल्सो बीन इंस्टेग्नेटेड इसके अलावा नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम का जो बजट है वो भी बढ़ाया नहीं जा रहा है तो इनफैक्ट सेंट्रल एक्सपेंडिचर जो है बढ़ाया तो नहीं जा रहा है अफकोर्स ये कम और किया जा रहा है तो सेंट्रल एक्सपेंडिचर तो और एन एफ बी एस डिक्लाइन फ्रॉम रूपीज एट सिक्सटी टू करोड़ दो हज़ार चौदह पंद्रह में ईयर मार्क किया जाता था अब सिर्फ फोर एट्टी वन करोड़ ही यहाँ पर ईयर मार्क किया जा रहा है तो यहाँ पर कोविड नाइन्टीन फैमिलीज़ में लोगों को ऐसी स्कीम की ज़रूरत थी तो उसके रिवैम्प करने की जरूरत थी ना कि इस स्कीम को ऐसे फेज आउट करने की जरूरत है सेंट्रल गवर्नमेंट इट सीम्स इज डेलिबरेटली अंडरमाइनिंग द एन एस ए पी तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर जो सेंटर है वो एन एस ए पी जैसी स्कीम को यहाँ पर अंडरमाइन कर रही है और जो कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम्स है उनको ज़्यादा प्रमोट कर रही है जिसमें यहाँ पर जो इंसान है वो भी थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देता है जैसे कि अटल पेंशन योजना कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम्स हाउ एवर आर नॉट वेरी अट्रैक्टिव फॉर पुअर अब यहाँ पर जो कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम होती है जिसमें यहाँ पर थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन खुद से भी देना पड़ता है तो लोगों को वो स्कीम ज्यादा अपील नहीं करती हैं तो स्कीम्स लाइक अटल पेंशन योजना रिक्वायर्स देम टू तो बी एबल टू तो सेव अंडरस्टैंड द फॉर्मेलिटीज एंड ट्रस्ट द गवर्नमेंट विद विद्या मनी तो ऐसे में लोग कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम्स में ज्यादातर इनरॉल्व नहीं करते हैं तो इसीलिए गवर्नमेंट को यहाँ पर नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम्स को और ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत है अब एन को रिवेम करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए तो पहला ये ये जो आप बीस हज़ार रुपए देते हो उसको बढ़ाकर आप एक लाख कर दो तो फर्स्ट अ बिग इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ इमरजेंसी असिस्टेंस 2012 में आपने बीस हज़ार किया उसके बाद इतना ज़्यादा हुआ है है तो पर पर जो स्कीम में अमाउंट दिया जाता है, वो यहाँ पर एक लाख कर देना चाहिए दूसरी बात सिर्फ यहाँ पर बीपीएल पी हाउस तक के लिए यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट नहीं रखना चाहिए क्योंकि जो बीपीएल की लिस्ट है उसमें बहुत ज्यादा एक्सक्लूजन एरर्स हैं तो यहाँ पर सिर्फ बीपीएल लिस्ट तक ही इसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए बल्कि यहाँ पर सबके लिए यूनिवर्सल कर देना चाहिए इस स्कीम को तीसरी बात इसकी फॉर्मेलिटीज़ में सिम्प्लीफिकेशन की ज़रूरत है ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है पीपल फ्रेंडलीनेस की ज़रूरत है तो तो यहाँ पर प्रोसेस को और ज़्यादा सिम्प्लीफाई करने की ज़रूरत है एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर बजट में एन को ज़्यादा बजट एयरमार करने की ज़रूरत है अब हम आगे चलते हैं सोशल सिक्योरिटी अगर हमें देश में लाना है तो उसके लिए ऐसी स्कीम का होना बहुत ज़रूरी है अब यहाँ पर सुधा भारद्वाज को डिफॉल्ट बेल के तहत यहाँ पर बेल प्रोवाइड कर दी गई है और ने यही बताया यू ए पी में अगर किसी को यहाँ पर चार्ज किया जाता है तो जो प्रोसेस है वही एक पनिशमेंट बन जाता है तो यहाँ पर वो तीन साल से जेल में थी वो विदाउट एनी ट्रायल तो यहाँ पर तीन साल से जेल में होना उसके बाद कोई भी ट्रायल ना करना तो इससे ये पता चलता है जो यू ए पी है उसमें प्रोसेस ही एक पनिशमेंट बन जाता है अब सुप्रीम कोर्ट ने वताली केस में एक जजमेंट ये दिया था और सुप्रीम कोर्ट के वताली केस में जजमेंट देने के बाद ही यहाँ पर जो बेल है वो नियर इम्पॉसिबल हो चुकी है यूए में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये बोला था कोर्ट्स मस्ट एक्सेप्ट द स्टेट्स केस विदाउट एग्जामिनिंग इट्स मेरिट इवन इन बेल प्लीज तो यहाँ पर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था जो कोर्ट है वो स्टेट के, के केस को या स्टेट का जो भी केस होगा उसको एक्सेप्ट कर ले और उसमें ये ना देखे कि इस केस में मेरिट कितनी है इसीलिए हमें यू केस में ज़्यादातर देखने को मिलता है जो भी यहाँ पर जजमेंट आते हैं वो इन द फेवर ऑफ द स्टेट आते हैं आगे चलते हैं ये हम डिस्कस कर ले रहे हैं अनइक्वल टू मोर इक्वल इंडिया तो यहाँ पर बेसिकली ऑथर ने एन एफ एच एस डेटा को कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया है एन एफ एच एस डेटा से हमें ये पता चल रहा है जो यहाँ पर पुअरर स्टेट्स थे वो भी कैचअप कर रहे हैं तो द टेबल रिपोर्ट्स द फॉर सेवरल स्टेट्स द स्टेट्स आर सेपरेटिंग इन टू पुअर एंड रिच स्टेट्स तो यहाँ पर बेसिकली पहले ऑथर ने स्टेट्स को डिवाइड किया रिच और पुअर स्टेट्स बीमारू स्टेट्स और फिर ऑथर ने यह बताया कि दो हज़ार पंद्रह सोलह से अगर अभी कंपेयर किया जाए तो स्टेट्स में कितना इंक्रीज हुआ है? तो केरला परफॉर्म्स द बेस्ट विद एन एग्रीगेट इंडेक्स ऑफ थर्टीन हंड्रेड तो हाँ पर इंडेक्स ऑथर ने बेसिकली औेसिकलीम्प्रसिवली सारे डेटा को मिलाकर यहाँ पर इंडेक्स बनाया है और हमें यह पता चल रहा है कि एन एफ एच एस फाइव में अगर देखें तो केरला का जो एग्रीगेट इंडेक्स है सबसे ज्यादा तेरह सौ अ वेरी स्मॉल वन पॉइंट फाइव परसेंट इंक्रीज फ्रॉम इट्स टू थाउजेंड फिफ्टीन सिक्सटीन वैल्यू तो अगर हम देखें तो कितना परसेंट इंप्रूव हुआ है वन पॉइंट फाइव परसेंट अगर बिहार का देखें तो कितना इंप्रूव हुआ है फिफ्टी सिक्स परसेंट तो हमें यह पता चल रहा है जो पुरर स्टेट्स हैं वो यहाँ पर कैचअप कर रहे है. तो 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 हैं पंजाब डज बेटर दैन तमिलनाडु एंड टूडे हेज अ हायर इंडक्स ट्वेल्व फोर्टी वर्सेजन वन सेवन एट तो यहाँ तो पर तमिलनाडु तो का जहां पर वन वन सेवन तो एट है यहाँ पर पंजाब का इंडेक्स फोर्टी है तो हमें पता चल रहा है जो स्टेट हैं तो हैं वो यहाँ पर कैचअप कर रहे हैं गिनी कोफिशियंट किस लिए होता है तो गिनी कोफिशियंट यहाँ पर इनक्वालिटी को मेजर करने के लिए होता है तो इतना आपको पता होना चाहिए इन इक्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट एज रिप्रेजेंटेड बाय द गिनी तो गिनी कोफिशेंट किसको मेजर करने के लिए होता है इन को तो ऑचर ने यह बोला है जो कन्वर्जेंस है ये सिर्फ को नहीं है बल्कि गवर्नमेंट की यहाँ पर स्कीम्स ऐसी है जिसकी हैं जिसकी वजह से हमें कन्वर्जेंस देखने को मिल रहा है यहाँ पर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को टारगेट किया गया है जैसे कि पी एम उज्ज्वला योजना जो कि एल पी जी कनेक्शन देती है तो अप्रोच वॉज नॉट जस्ट लिमिटेड टू सैनिटेशन प्रॉपर फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी इंटरवेंशन दैट आर टारगेटेड टू एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड तो यहाँ पर ऐसे रीजन को यहाँ पर टारगेट किया गया है, जो कि अभी तक बैकवर्ड रह गया था तो गवर्नमेंट ने बैकवर्ड रीजन को टारगेट किया जिसकी वजह से यहाँ पर जो बैकवर्ड रीजन है वो यहाँ पर कैचअ कर रहे हैं आगे चलते हैं अब यहाँ पर इंडिया ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कराना चाहता था अफगानिस्तान को और इसीलिए हम पचास हज़ार मेट्रिक टन वीट यहाँ पर हम अफगानिस्तान पहुँचाना चाहते थे लेकिन जो पाकिस्तान है वो अपना लैंड रूट अलाउ करने नहीं दे रहा था अब पाकिस्तान ने लैंड रूट अलाउ करने तो दिया है लेकिन एक कंडीशन ये लगा दी है कि ये जो भी वीट जाएगा वो अफगानिस्तान के ट्रक्स में जाएगा तो इट हैज बीन डिसाइडेड टू अलाउ द यूज ऑफ अफगान ट्रक्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वागा बॉर्डर टू टोरकाम तो बेसिकली यहाँ पर पहले इंडिया से वागा अटारी बॉर्डर पर जाएगा वहाँ पे अनलोड होगा फिर यहाँ पर अफ़गानिस्तान के ट्रक्स पे सारा अनाज रखा जाएगा उसके बाद यहाँ पर अफगानिस्तान में जाएगा अब इंडिया ने बेसिकली एक बात ये बोली थी कि यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड अफगानिस्तान में पहुंचनी चाहिए विदाउट एनी कंडीशन तो यहाँ पर पाकिस्तान उसके बाद भी कंडीशन लगा रहा है तो स्पोक्स पर्सन हैज सेट सेवरल टाइम्स देयर कांट बी टाइमिनेलिटीज अटैच टू ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अब इसके बाद क्या होता है वो देखने वाली बात है आगे हम चलते हैं इंडिया और यहाँ पर श्रीलंका ने एक कोऑपरेशन प्लान किया है कि यहाँ पर जो श्रीलंका की कोविड हिट इकॉनमी है उसको कैसे रिवाइव किया जाए तो एज श्रीलंका बैटल्स टू रिवाइव इट्स कोविड बेटर इकॉनमी न्यू न्यू डेली एंड कोलम्बो हैव एग्रीड ऑन अ फोर प्रॉन्ग्ड कोऑपरेशन तो हम फोर प्रॉन्ग्ड कोऑपरेशन में क्या क्या उनको करने वाले तो पहला ये फूड और हेल्थ सिक्योरिटी के लिए दूसरा एनर्जी सिक्योरिटी तीसरा करेंसी स्वॉप और चौथा इंडियन इन्वेस्टमेंट तो ये हम चार एरिया पे यहां पर कॉपरेट करने वाले हैं तो पहला ये जो बोला जा रहा है कि हम फूड और हेल्थ सिक्योरिटी देंगे तो बेसिकली हम उनको लोन प्रोवाइड कर देंगे फूड और हेल्थ सिक्योरिटी के लिए तो एन एक्सटेंशन ऑफ ए लाइन ऑफ क्रेडिट टू कवर द इंपोर्ट ऑफ फूड लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब बहुत ही सस्ते दामों में यहाँ पर उनको लोन दिया जाएगा मेडिसन्स एंड अदर एसेंशियल आइटम्स फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका इसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी पैकेज का मतलब यह है कि जो भी फ्यूल वो लोग इम्पोर्ट करेंगे इंडिया से तो उसमें भी उनको लाइन ऑफ क्रेडिट यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा इसके अलावा एक करेंसी सॉप एग्रीमेंट करेंगे और इंडिया यहाँ पर श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट करेगा आगे चलते हैं अब एम के क्वेश्चन कब अलाउ किए जा सकते हैं कब डिसअ किए जा सकते हैं तो ये मैं आपको एक बार बता चूंगी फिर से तो हम डिस्कस कर लेते हैं इन बोथ हाउसेज इलेक्टेड मेंबर्स एंजॉय द राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर दोनों ही हाउस में जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ्रॉम वेरियस मिनिस्टर्स तो यहाँ पर मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्ट क्वेश्चन अन स्टार्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर्स तो हम डिस्कस करेंगे क्या होते हैं स्टार्ट क्वेश्चन क्या अनस्टार्ट क्वेश्चन क्या डिफरेंस होता है सब में तो यूजली एम पीज़ क्वेश्चन फॉर्म अ लॉन्ग लिस्ट विच देन गो थ्रू अ रिग्रस प्रोसेस तो यहाँ पर एम पीज़ जो भी क्वेश्चन बताते हैं राज्यसभा में रूल्स फोर्टी से लेकर फोर्टी सेवन से लेकर फिफ्टी तक गवर्न होता है कि यहाँ पर एडमिसेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन का क्या क्राइटेरिया होगा और लोकसभा में यहाँ पर रूल फोर्टी वन से लेकर फोर्टी फोर ऑफ़ द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द लोकसभा से गवर्न होता है कि यहाँ पर क्या कंडीशन होगी क्वेश्चन को एक्सेप्ट करने की तो यहाँ पर राज्यसभा में रूल फोर्टी से फिफ्टी और यहाँ पर लोकसभा में रूल्स फोर्टी से फोटी वंस अ क्वेश्चन दट फुलफिल्ज द कंडीशन ऑफ एडमिसिबिलिटी इज रिसिव्ड तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन जो सारे एमिसिबिलिटी क्राइटेरिया को यहाँ पर फुलफिल करता है तो उसके बाद वो जो क्वेश्चन वो मिनिस्ट्री कंसर्न को भेजा जाता है फिर सारे फैक्ट्स जब रिसीव हो जाते हैं फ्रॉम द मिनिस्ट्री फिर उस क्वेश्चन को और ज़्यादा फर्दर एग्जामिन किया जाता है लेकिन यहाँ पर लास्ट डिस्क्रिप्शन की क्वेश्चन को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है वो यहाँ पर चेयरमैन या लोकसभा के स्पीकर के पास होता है तो लोकसभा वंस द नोटिस फॉर क्वेश्चन इज रिसीव्ड बैलेट्स डिटर्माइंड प्रायरिटी तो यहाँ पर रूल फोर्टी वन से फोर्टी फोर तक उसमें एडमिसेबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है कि किस क्राइटेरिया पे यहाँ पर क्वेश्चन को एक्सेप्ट किया जाएगा रिजेक्ट किया जाएगा वट आर स्टार्ट अन स्टार्ट एंड अदर कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन तो स्टार्ट क्वेश्चन कौन से होते हैं तो डिजायर्स एन ओरल आंसर तो जब यहाँ पर मैंबर को सिर्फ ओरल आंसर से ही वो संतुष्ट हो जाए तो उसके लिए स्टार्ट क्वेश्चन होता है तो मैंबर डिजायर्स एन ओरल आंसर फ्रॉम द मिनिस्टर और जहां पर ओरल आंसर की बात आती है वहाँ पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं तो आंसर कैन ऑल्सो भी सप्लाइड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन फ्रॉम द मेबर तो यहाँ पर स्टार्ट क्वेश्चन के लिए ओरल आंसर होता है और यहाँ पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं अनस्टार्ट क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें रिटर्न आंसर मांगा जाता है और इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो कि बेसिकली जो मैटर है वो पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए ओरल आंसर होता है और यहां पर दस दिनों का ही नोटिस होता तो नोटिस ऑफ लेस देन टेन डेज इज प्रेस्क्राइब एज मिनिमम पीरियड ंग सचा क्वेश्चन तो यहाँ पर शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन दस दिनों का मिनिमम पीरियड होता है नोटिस पीरियड होता है और इस क्वेश्चन के लिए भी ओवरल आंसर होता है और यह बेसिकली वो क्वेश्चन होता है जो कि पब्लिक मैटर से बहुत ज्यादा रिलेटेड होगा यहाँ पर प्राइवेट मेंबर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि रूल फोर्टी ऑफ द लोकसभा बात करते प्राइवेट मेंबर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं रूल फोर्टी एट ऑफ द राज्यसभा बात करता है कि यहाँ पर प्राइवेट मेंबर से यहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं वन आर द क्वेश्चन आस तो बोथ हाउसेज में यहाँ पर स्टार्टिंग का वन आर होता है वो क्वेश्चन आर होता है जिस क्वेश्चन आर में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन बोथ हाउसेज फर्स्ट आर ऑफ एवरी सिटिंग यूज़ली डिवोटेड टू आस्किंग एंड आंसरिंग ऑफ क्वेश्चन एंड दिस इज रेफर टूज द्वेशन आर एक दिन में मैक्सिमम एक सौ पचहत्तर क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब इनकी जो एडमिसबिलिटी गवर्न होती है मैंने बता दिया रूल फोर्टी सेवन से फिफ्टी तक राज्यसभा में और फोर्टी वन से फोर्टी फोर द लोकसभा पूरा डिस्क्रिप्शन जो सोल डिस्क्रिप्शन होता है वो यहाँ पर राज्यसभा में चेयरमैन के पास और लोकसभा में स्पीकर के पास होता है कि क्वेश्चन को एक्सेप्ट करना है नहीं करना है तो राज्यसभा चेयरमैन तो और द लोकसभा स्पीकर हैज़ द अथॉरिटी टू डिसाइड डिसाइड वेदर अ क्वेश्चन और अ पार्ट इज और इज नॉट एज मेडिसमेल अंडर द नॉम्स ऑफ द हाउस एंड डिसअअलाउ एनी क्वेश्चन और अ पार्ट अब यहाँ पर राज्यसभा में कौन से केसेस में यहाँ पर क्वेश्चन को डिसअलाउ किया जा सकता है तो क्वेश्चन अगर किसी स्पेसिफिक इशू को बात कर रहा है तो हो सकता है उसको यहाँ पर डिसअलाउ कर दें तो शेल बी पॉइंटेड स्पेसिफिक एंड कन्फाइंड टू वन इशू ओनली लोकसभा में क्वेश्चंस को कब यहाँ पर डिसअलाउ किया जाता है क्वेश्चन अगर रेपिटेटिव है उससे पहले ऐसे किसी क्वेश्चन का आंसर दिया जा चुका है या तो कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है जो अभी कोर्ट court... में उसका केस चल रहा है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पेगासस जो है पेगासस अभी कोर्ट में इसका मैटर चल रहा है तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको डिसअलाउ किया जा सकता है तो लोकसभा क्वेश्चन दै आर नॉट एडमिटेड इंक्लूड इन्क्लूड दोट आर ऑफ रेपिटेटिव एंड हैव बी आंसर्ड प्रीवियसली एंड मैटर्स देट आर पेंडिंग फॉर जजमेंट बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ या तो फिर किसी कंसडरेशन में बिफोर अ पार्लियामेंट्री कमेटी तो यहाँ पर पैगास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था जो कि यहाँ पर मना कर दिया गया क्योंकि ये जो मैटर है ये अभी कोर्ट में चल रहा है इसके अलावा यहाँ पर चाइना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था जिसको नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर यहाँ पर उस क्वेश्चन को डिसअलाउ कर दिया गया तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे कुछ क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे हाँ पर क्वेश्चन को डिसअलाउ किया जा सकता है आगे चलते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पर 1971 में पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर हाँ पर रेड्स को लॉन्च किया था और इस ऑपरेशन के यहां पर पाकिस्तान ने नेम दिया था ऑपरेशन चेंगीज खान आगे चलते हैं ये वर्ल्ड पेज पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पर अब जर्मनी में नए चांसलर आ रहे हैं तो एंजलिना मर्कल का जो टाइम पीरियड वो खत्म हो रहा है अब इनके सक्सेसर होंगे ओलाफ शोल्स तो ये नाम लिखा आप देख सकते हैं ओलाफ शोल्स आगे चलते हैं कन्वर्ट इनिशिएटिव्स इनटू फिनटेक रिवॉल्यूशन अब यहाँ पर जो फिनटेक इनिशिएटिव्स हैं उनको फिनटेक रिवॉल्यूशन बनाने की बात बोली है प्राइम मिनिस्टर ने फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिया में बहुत तेजी से हुआ है दो के बाद यहाँ पर जब प्राइम मिनिस्टर ने जनधन अकाउंट वाली स्कीम खोली जिससे लगभग 430 मिलियन जनधन अकाउंट्स हुए इसके अलावा यू तो यूपी खुद में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था जी एस टी इन्वॉइस यहाँ पर लगभग 300 मिलियन यहाँ पर अपलोड हो रहे हैं तो इससे ये पता चल रहा है हमारे यहाँ फिनटेक इनिशिएटिव तो लिए जा रहे हैं तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इज द ड्राइवर ऑफ द फिनटेक रिवॉल्यूशन तो यहाँ पर फिनटेक के चार प्लट्स बताए गए हैं पहला इनकम इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इनकम से यहाँ पर लोगों के पास जब इनकम ग्रो होती है तो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनकम की वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है इंश्योरेंस कवरेज होती है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट बढ़ता है अब लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है जिसकी वजह से फॉर्मल एक्सेस टू क्रेडिट बढ़ रहा है आगे चलते हैं अभी जो गीता गोपीनाथ हैं अब इनका जब टेन्योर खत्म होगा तो ये यहाँ पर एफ डी एम डी बन जाएंगी फर्स्ट डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर तो एलिवेशन टू द पोस्ट ऑफ फर्स्ट डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर केम जस्ट मंथ्स आफ्टर गोपीनाथ हेड सेट तो इन्होंने बोला था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को वापस से कर लेंगी लेकिन अब ये एफ डी एम डी बन जाएंगी जब इनका टेन और खत्म होगा तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आए यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू एम 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 एम